कोरोना की वजह से बीते साल भर से ज़्यादा वक्त से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। हालांकि कोरोना का कहर जैसे ही थोड़ा बहुत कम हुआ तो फिर से स्कूल कॉलेज जैसे संस्थान खुले भी, लेकिन एक बार फिर से देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने तालाबंदी करा दी है। कई राज्यों में फिर से स्कूल और कॉलेज को बंद करके ऑनलाइन क्लास पर जोर दिया जा रहा है। अब आपको बताया चलें कि ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन लैपटॉप के साथ साथ तेज़ रफ्तार इंटरनेट का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन देश के बहुत से छात्र बेहद गरीब हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में ऐसे छात्र पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इस मसले पर सरकार का ध्यान दिलाते हुए भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि स्मार्टफोन लैपटॉप और इंटरनेट ना होने के कारण भारी संख्या में SC ST छात्र ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं और पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। आज़ाद ने आगे लिखा कि ये समान शिक्षा के अधिकार का हनन है क्योंकि इससे देश में एक डिजिटल डिवाइड बन गया है। आज़ाद ने आगे लिखा कि सरकार इन छात्रों को ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे। वाकई अपने आप में ये बेहद गंभीर और सोचनीय प्रश्न है कि जिन बच्चों के पास अच्छे फ़ोन या इस तरह के संसाधन नहीं हैं तो पढ़ाई आखिर वो कैसे करेंगे। अब देखना होगा कि आज़ाद की इस बात को लेकर सरकार कितना ध्यान देती है। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।